हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की 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 हंडिया। ला 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 ला, फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू, से बाजी जहरा अपा से मिलकर दिल खुश हो गया, और स्पेशली क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपीज हमें सिखाई, और वो भी खानदानी। बीबी क्या तुमको मालूम है कि उनके खानदान में कुछ खास खानों की तरकीबों को बड़े राज में रखा जाता था। अरे भाई, घर की बहुओं को तो बता दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को इसका पता नहीं चलता था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे खानदान में जा करके इन तमाम तरकीबों का राज खोल दे। तो लिहाजा इनकी जो नानी थी जहरा की, वो इनको बहुत चाहती थी, और इसलिए उन्होंने इनको ये सब तरकीबें सुनाई। लेकिन बाजी, यानी कि हर तरीके से लड़का और लड़की में यहाँ पर भी फर्क है, नॉट फेयर। अरे बीबी, हमें इस झगड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम तो ये समझो कि तुम्हारी खुशनसीबी है कि जहरा ने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी खाने की तरकीबें बताई, और अब मेरा ख्याल है वो फिर आती होंगी। जी बाजी, वो तो है। अच्छा बानो, तुमको मालूम है कि जहरा ने बंद रिवायती माहौल में रह के एक आला तालीम हासिल की, और यही नहीं कि वो बेहतरीन टीचर बनी, बल्कि खाने को भी नहायत संजीदगी से लिया और आगे बढ़ गई। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बंद माहौल, क्योंकि मेरी रिसर्च तो बताती है कि हैदराबाद दक्कन में लड़कियों को बहुत ही खुले दिमाग से उनकी परवरिश की जाती है। अरे बीबी, ये तो सब कहने की बात है, सच पूछो तो ये फ़र्क आज भी है। अरे भाई, कई घरानों में तो शादी ब्याह के मौके पर फौरन घोड़े जोड़े का सवाल किया जाता है। घोड़ा जोड़ा वो क्या होता है बाजी? अरे भाई, ये एक किस्म की रकम होती है बेटा, इस तरह से नकद मांगने का तरीका होता है। अब जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो तो बेचारे खैर दे देते होंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो क्या करें? ये तो बहुत ही बुरी बात है बाजी। हाँ। अरे बाजी, शायद जहरा आ गई। अरे अरे, जहरा आ गई। आओ आओ बाजी, कैसी तबीयत है? खैरियत है? हाँ, जीती रहो, बैठो बैठो। कैसी हो बानो? मैं बिल्कुल खैरियत। भाई, तुमने पहले इतने अच्छे खाने खिलाए कि उसका मजा आज तक आ रहा है। चलिए, अल्लाह का शुक्र। उस दिन से अब तक बाजी लगातार आपका ही बना हुआ खाना खा रही हैं, और किसी के साथ शेयर भी नहीं किया उन्होंने। चल झूठी जहरा, देखा तुमने ये आजकल की लड़कियां कैसी जबान चलाती हैं? एक हमारा वक्त था कि हम अपने बड़ों के सामने जबान तक नहीं खोल सकते थे। अरे बाजी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वैसे जहरा आपा, एक बहुत अच्छी बात है हमारी बाजी के बारे में, कोई भी उम्र का हो उससे उनकी इतनी अच्छी पटती है कि बात नहीं। ये तो बड़ी बहुत बड़ी खूबी है। सच पूछो तो भाई, मुझे तो नौजवान लोगों की सोबत बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं अपनी बानो को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा जहरा आप ये बताइए, आपने पिछली दफा तो इतनी बेहतरीन रेसिपीज बताई थी, इस बार मुझे बेसब्री से इंतजार है। बस अब माही जमरूदी जी, टमाटर का कट और गीले फिरदौस, तो आज हम वो सीखेंगे। ये वो आप सीखेंगी आज। तो चलिए जहरा आपा, आई थिंक यहाँ से हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी बाजी की हंडिया की तरफ। अच्छा चलो जाइए। चलिए बानो, आप अपनी सीट पे आ गई। अब लिखिए आज की रेसिपी का नाम है माहे जमरूदी। अरे बीबी, ये जमरूद के जेवर तो भाई मुझे बहुत पसंद है। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के बाद तुम्हारे नाना ने, अल्लाह बख्शे, मुझको जमुरद और हीरे से जड़े हुए इतने खूबसूरत टॉप्स दिए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन बाजी, मैंने तो आज तक आपको नहीं देखा पहने हुए। अरे बेटा, तुम देखते कहाँ से, मुझे पहनने ही कहाँ नसीब हुआ। वो कमबख्त झाड़ू फिरा उनका भतीजा, यानी मेरे देवर का लड़का जो घर में रहता था, वो नामुरा चुरा के लेके भाग गया। हाय अल्लाह, तो मैं कहाँ से पहनती। चलो छोड़ो इस बात को, दिल खराब होता है। चलो अब तुम बताओ अपने। चलिए
चलो अब हम लोग जो मछली इस्तेमाल कर रहे हैं ये मरल है। ओके। ये हैदराबाद की खास मछली होती है, इसमें एक ही कांटा होता है और काफ़ी लजीज होती है। और हम लोग अब करेंगे थोड़ा सा फ्लावर, मैदा यानी मैदा, थोड़ी सी लहसुन, काली मिर्च और ये थोड़ा सा सरसों पिसा हुआ। ओके। इसको हम मिला लेंगे और इसमें हम मछली को ऐसे हल्के से डुबो देंगे। तो ये भी मैरिनेट करने की ज़रूरत है। कम मसाला नहीं है क्या? हाँ, अब बाद में आप डाल सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। तभी कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार पसंद है और कुछ लोगों को कम, जैसे आपका लगे। और फिर इसमें आप थोड़ा सा नींबू इसका अरख डाल के इसको मैरिनेट करेंगे आप, ठीक है। इसको आप ऐसे करके दो घंटे आप छोड़ देंगे। जब ये मैरिनेट हो चुकेगा अब हम इसको चूल्हे पर तेल डाल के थोड़ा अच्छा, तो सा तेल, थोड़ा सा तेल डालती हैं मतलब इसको जब मछली अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाती है जी, उसके बाद उसको तला जाता है क्या? तला जाता है मैं हल्के से तेल। अच्छा, हल्का बहुत, क्योंकि हम लोग डीप ब्राउन नहीं किया जाता, हल्का सा। हम लोग नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। अच्छा, तो इसमें हम हल्का सा तेल डालते हैं और फिर मछली को तलने के लिए रख देते हैं। ठीक। अब अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हैदराबाद में हरा मसाला का काफी इस्तेमाल होता है, जैसे कि पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च। इसको लेकर और थोड़ी सी लहसुन जी लेकर इसको पीस लेते हैं, हरी चटनी बना लेते हैं, ठीक है, और नींबू डाल देते हैं और ये चटनी इस पे मछली पे लेप देते हैं। तो जब आपने मछली थोड़ी बहुत भून ली या मतलब थोड़ा बहुत फ्राई कर लिया हल्के, उसके बाद आप ये सब डालती हैं। हाँ, इसको पलट लेते हैं, मछली को पलट कर। अच्छा, तुमने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं नहीं, इसमें दही नहीं होता, फिर वो बहुत अलग मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो आप इसके ऊपर ऐसा हल्के से इस चटनी को मछली के ऊपर फैला दीजिए। और फिर दोबारा ये मछली को फिर पलटते हैं और दूसरी साइड पे भी मसाला लगा देंगे, यही हरा मसाला फिर लगा देंगे। और आपको कितनी मिर्च चाहिए और कितना खट्टा चाहिए ये आपके ऊपर, जैसे आप उसमें दो तीन भी हरी मिर्च डाल सकते हैं या एक ही डाल सकते हैं, ये आपके खुद के जायके पे। बानो समझ लो, बिल्कुल सही सही लिखना जी बाजी। तब ये जब हरा मसाला इस पे डालते हैं तो ये हो जाती है हरे रंग की, इसीलिए इसको जमरूदी कहते हैं। अच्छा, ये बात। तो ये ज़रापा मतलब ड्राई ही खाई जाती है? इसमें कोई शोरवा नहीं होता। अच्छा, थोड़ी देर इसको ऐसा लाइक अ ड्राई डिश। हाँ, सो फ्राइड फिश। फ्राइड फिश, इसको तो रूखा ही खाया जाता है। हाँ, अच्छा। फिर इसको पलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ मसाला पक जाए। और ये मछली बहुत हल्की होती है जी, तो जल्दी पक जाती है। तो चलिए, अब आपकी मछली तैयार हो गई। भाई, मैंने तो सुना है कि जो बंगाली लोग होते हैं ये तो बहुत कांटों वाली मछली खाते हैं। हाँ, उनके बहुत ही खास और तरीका। और तो और, कांटों को एक तरफ मुंह में जमा कर लेते हैं और क्या मजे मजे से लेके उसे खाते हैं। बट बाद में नहीं, बट बाजी ये भी एक आर्ट है, सब नहीं कर सकते। बाद में मुंह से उसे धीरे धीरे निकाल भी देते हैं। सही कह रही हैं बिल्कुल। तो अब ये आपकी मछली तैयार हो गई। अच्छा ज़रापा, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कौन से महीने में मछली खा सकते हैं, कौन से महीने में नहीं खा सकते। एंड हैदराबाद में जून के महीने से मछली खाते हैं। हैदराबाद में फर्स्ट वीक ऑफ जून में मिरग लगता है, मतलब कि मॉनसून आता है। उस वक्त यहाँ वहाँ पे छोटी छोटी परकलियाँ निकलती हैं मरल की। उसमें एक ख़ास ख़ानदान है जो गोली बनाता है और उसको वो निगलवाता है जिसको कोई बीमारी हो दमे की।
अच्छा हाँ, तो ये बहुत पुराना इनका सिलसिला है। भाई अच्छा, मैंने सुना है कि इससे कोई खास दवा बनती है दमे की शायद। जी 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 बिल्कुल, वही दवा उसको वो छोटी परकली के मुंह के अंदर ठूस देते हैं और फिर वो छोटी परकली आपको निगलवा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपको दमे की बीमारी नहीं है, तो हैदराबाद जाना पड़ता आपको। लाहौर बिला कुव्वत। चलिए चलिए, तो आपकी मछली मोरलेस तैयार है? अब तो बिल्कुल तैयार है, खाने लायक है। चलिए परफेक्ट। तो आप बताइए बाजी, बहुत जल्दी बन गई, सबसे अच्छी बात तो यही है। यही तो मैं सोच रही थी कि आज तो अभी मुझे भूख भी नहीं लगी और ये मछली तैयार। आपको भूख नहीं लगी? क्या हो गया भाई, सब खैरियत? अच्छा ज़हरा आपा, एक बार मैं तरकीब पढ़ना चाहूंगी, आप मुझे बताइएगा सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। मैंने चार बड़े टुकड़े मरल मछली के ले, डेढ़ बड़ा चमचा मैदा, एक छोटा चमचा नमक, एक बड़ा चमचा पिसा लहसुन, एक बड़ा चमचा काली मिर्च पाउडर और एक बड़ा चमचा राई पाउडर मछली के टुकड़ों पर दोनों तरफ लिपटा कर अच्छी तरह मिला लें। एक नींबू का रस ऊपर से छिड़क लें। फ्राई पैन गरम करके बहुत कम तेल में मछली को तलें। हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो हरी मिर्च अदरक और नींबू के रस से बनाई गई है उसे मछली के टुकड़ों पर दोनों तरफ लगा कर सेक लें। कुछ देर ढक्कन बंद करके पकाएं। डिश में सजा कर पेश करें। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह से पकाने लगेंगी। भाई नाम तो बहुत मुनासिब है, किस कदर खूबसूरत रंग आया है, हरा रंग। जी जी। अच्छा एक चीज बताइए ज़हरा पा, हम अब क्या बनाने वाले? अब हम लोग बना रहे हैं टमाटर का कट। अरे बाजी आ गया आपका टमाटर का कट। बात है ज़हरा, ये मछली के साथ बहुत अच्छा जाता है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बनाओ। सब में ज्यादा पहले तो इसमें टमाटर होते हैं। टमाटर को लेकर आप उनको चॉप कर लेते हैं जी, और छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ज्यादा भी नहीं काटने की जरूरत क्योंकि हम इसको फिर यहाँ पे उबाल लेंगे। ओके। सब चीजें इकट्ठे डाल के आप इनको उबाल देते हैं। इसके साथ हमने डाला करी पत्ता जी, थोड़ा सा करी पत्ता डाला जो इसके साथ उबलता है, और फिर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च जैसे आपको चाहिए जितनी भी, और फिर थोड़ा सा भुना चना। सब चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, फिर जीरा पाउडर जी, धनिया पाउडर और नमक। अच्छा, और फिर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये जले ना। ओके। वैसे ज़रा पा, ये पूरी जो टमाटर की सॉस बनती है जी, वो कितनी देर में बन जाती है? मतलब क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत वक्त लगता है? पहले तो ये लोग बहुत धीमी आंच में पुराने ज़माने में कोयले पे बनाते थे जी, पर आजकल हम लोग तो जल्दी जल्दी इसको गैस पे बनाते हैं जी, और प्रेशर कुकर में कर लेते हैं तो और भी जल्दी बन, तो और भी जल्दी बन जाता है। तो अब ये थोड़ी देर के बाद गल जाता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ जी, जो तुम इतने खूबसूरत नए नए नाम बता रही हो, तो ये क्या मौजूदा जमाने में इजाद हुए या पहले ही से इनके नाम? नहीं, ये जब से हमने सुना है तब से हैं, ये पुराने हैं। अच्छा पुराने, आजकल किसी ने नहीं सोचा भाई, ये तो बहुत मगर ये रेसिपीज जो आप देख रही हैं ये हर घर के अलग अलग होते हैं। अच्छा, जो मैं आपको अच्छा। कट आज दिखा रही हूँ हाँ। ये जरूरी नहीं है कि यही रेसिपी है और कोई रेसिपी नहीं। अच्छा चलिए, अब आपके टमाटर तो गल गए जी, और इनको ना हम लोग डालेंगे एक छन्नी में ताकि हम इसको छान लें। ठीक है। अच्छा बीबी, इसमें अंडे कब डालोगी? ओफो बाजी, आपको अंडों से इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? इसको छन्नी से ऐसे दबा दबा कर निकाल सकते हैं। पहले जमाने में ये लोग मलमल के कपड़े से करते थे। अच्छा। उससे भी बहुत फाइन आता है, ये छन्नी से इतना फाइन नहीं आता। भाई इसको मिक्सी में नहीं पीस सकते? इसको मैं मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मगर कहते हैं कि उसके बीज का मजा आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो वो सब लोगों को पसंद नहीं आता। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल खोजड़ रह जाता है, इस टमाटर का हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इसका एक बस बीज और छिलके बच जाते हैं। तो इसको आप बस फेंक देंगे? बस इसको हम फेंक देते हैं। अच्छा, और ये जो सॉस है इसको फिर से इसमें वापस चूल्हे पे डालकर फिर पकाते हैं। अच्छा, इसको गाढ़ा करने के लिए क्या कोई और चीज भी डालती हो? इसमें डाला था फूले चने का पाउडर। अच्छा, ये डाला था।
अच्छा अच्छा, और इससे वो गाढ़ा हो जाता है, वरना आपका बहुत टमाटर लग जाएगा। पहले ही डाल दिया था? पहले ही मैंने डाल दिया, आप बाद में भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो है इसको बाद में डालते हैं, अच्छा कुछ लोग पहले डालते हैं। अब ये सॉस भी गाढ़ा हो गया आपका, जब आप उसको चम्मच डालते हैं तो आपके चम्मच पे चिपकने लगता है। अच्छा, अच्छा। जब कम चम्मच से बह जाता है तो उसका मतलब वो गाढ़ा हुआ नहीं है। तो आप उतनी देर तक पकाइए कि जब आप चम्मच पे डालकर उसको उठाएंगे तो इस पे वो चिपकने लगेगा। ठीक है, अब आपकी ये सॉस तैयार है। अच्छा ये बताइए, अगर जब आप लोग जाते हैं तो जैसे कि हम पहले ही पूछ रहे थे कि सफर पे, तो ये खट्टे खाने रह जाते हैं क्या? अगर आप टमाटर का कट बनाकर फ्रिज में रखेंगी हाँ, तो ये काफी दिन रह जाता है। ये भी रह जाता है? ये भी रह जाता है, क्योंकि इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब हो जाए। तो भैया मैं तो इसको एक महीने का बनवा के रख लूंगी। कमबख्त जुम्मन तो हर वक्त बाजार में गारत रहता है, कभी होता ही नहीं। एक महीना बर्बादी ज्यादा है, एक महीना ज्यादा है भाई। मैं तो ये जरूर बनवाऊंगी। ये आप जरूर बनवाइए, मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं रखिए। हाँ। फिर अब इसके इसमें हम लोग डालते हैं बघार। अच्छा, इसमें बघार काय का डलेगा? लहसुन और जीरा और लाल मिर्च और फिर करी पत्ता, कड़िया पत्ता भी जी। हाँ भाई, आप लोगों की तरफ तो कड़िया पत्ता बहुत चलता है, बहुत खाया जाता है। मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं होगा साउथ में जहाँ कड़ी का दरख्त न लगा हो। कड़ी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है करी पत्ता। अच्छा, तो वहाँ के खाने क्योंकि इतने चटपटे और मिर्च वाले होते हैं तो उसमें काफ़ी डलता है कड़िया पत्ता, और उसका उसका अच्छा। जो जायका होता है वो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। अरे बच के भैया, कहीं लग ना जाए। बीबी ऐसा ना हो कि कहीं तुम खुद को जला लो पकाते पकाते। नहीं, वो ऐसा भी होता है, है? जो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नहीं, सब में जरूरी बात कि जब आप खाना पकाते हैं तो हाँ। पहले तो चूल्हा खुला छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए इधर उधर टीवी देखने। क्यों? अरे तो फिर सब जल जाएगा। और दूसरी बात, जब आप पका रहे होते हैं तो आपकी नजरें अपने खाने पे होनी चाहिए। ये कमबख्त मेरा जो जुम्मन नौकर है ये यही करता है, खाना रख दिया चूल्हे पे और भाग गया टीवी। हाँ, तो फिर वो उसमें आपका खाने का जायका खराब हो सकता है। अच्छा अच्छा, अब ये जैसे आपका ये तैयार हो गया बघार, और फिर आप इसके अंदर फौरन डालेंगे। तो मैं ये चाह रही थी कि इसको हम एक कटोरी में निकाल लें और बघार ऊपर से डालें, वरना हाँ। वो बघार उसका सारा। अच्छा ऐसा है कि ये चूंकि हमारा जो बर्तन है बहुत खूबसूरत है, तुम इसी में क्यों नहीं बघार देती? नहीं नहीं, मेरे पास एक और भी है इसमें। देखिए, अब ये बताओ कि ये चीनी के बर्तन में गरम गरम डालोगी तो कहीं टूट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये वैसा बर्तन नहीं है कि टूट जाए। अच्छा चलो, ये ठीक है। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो इसी में खा लेते अगर तुम दे देती तो। नहीं नहीं, आपको अच्छी तरह से हम देंगे। अरे भाई अब तो बहुत भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। अरे पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा है। मुझे भी बहुत पसंद है। वाह क्या खुशबू आई है, वाह वाह क्या बात है। अच्छा देखो बेटा जी, जब तुम मुझको पका चुको तो पूरी कटोरी भर के देना, ये नहीं कंजूसी करो। देखिए अब आपके अंडे तैरने जा रहे हैं इसमें। हैं? ये अंडे काट लिए तुमने क्या? हाँ, आधा आधा काट के। अच्छा, इसमें कभी वो डूब भी जाता है, जरा आहिस्ते से डालना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस अभी आपका तैयार हो गया। जरा पर टमाटर का कट तो तैयार हो गया है, मैं जल्दी से तरकीब दोहरा लेती हूँ, आप मुझे बताएगा कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। आधा किलो टमाटर काट कर एक बर्तन में डाल दें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधा बड़ा चमचा मिर्च पाउडर, 1.5 बड़ा चमचा भुने चने का पाउडर, आधा बड़े चमचे पिसा लहसुन और अदरक, 1/4 बड़ा चमचा जीरा, आधा बड़ा चमचा धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक। 1.5 कप पानी डालकर उबालें जब तक टमाटर नरम ना हो जाएं। छन्नी में अच्छी तरह इन्हें मलकर छान लें और फिर इसको हल्की आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। भगार के लिए 1 बड़े चमचे तेल में 2 से 5 लहसुन के जवे, आधा बड़ा चमचा जीरा, 2 से 4 लाल मिर्चें और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालें और सुर्ख होते ही उसे टमाटर के कट में डाल दें। कटे हुए उबले अंडों से सजाकर पेश करें। बिल्कुल ठीक है जरा, बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, तो टमाटर का कट हुआ, अब कुछ मीठा हो जाए तो मीठे में हम क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं गिले फिरदौस। अरे आपकी फेवरेट बाजी, अब तो मुस्कुराइए भाई, नाम तो बता दो। गिले फिरदौस।
जन्नत की मट्टी है? जी 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 आई बीबी के मट्टी खिलाओगी मुझको? नहीं नहीं आपको हाँ। बहुत अच्छा मजे की खीर खिलाएंगे। चलो खैर अगर जन्नत की मट्टी भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, खुश नसीबी हाँ, है हाँ। लेकिन भाई ये दुनिया की मट्टी ना खिला देना कहीं। अच्छा अब आप इंग्रेडिएंट्स बताइए। अच्छा इसमें अरे बेटा ये बार बार तुम इंग्रेडिएंट्स क्या कह रही हो? अरे अशिया कहो, इसका मतलब अशिया होता है उर्दू में कहते हैं, और अपनी किताब में भी यही लफ्ज लिखना। जी बिल्कुल बेहतर। अच्छा भाई चलो भाई तो एक लौकी लीजिएगा छोटी सी और उसको आप कद्दूकश कर लीजिएगा। बिल्कुल। और फिर आपको चाहिए दूध, इलायची पाउडर, पिसा हुआ चावल, घी, खोआ, चीनी और आखिर में गार्निश करने के लिए आपको चाहिए गुलाब के पंखुड़ियाँ और बादाम छिले हुए। तो अब पहले हम लोग ये पानी थोड़ा सा गर्म करते हैं। तब ये थोड़ी देर उबलेगा। अब इसमें हम दूध डालेंगे। बाजी आपको याद है कि हमने गुलाब की पंखुड़ियों की खीर भी खाई थी? अरे हाँ याद आ गया मुझे। आप कैसे मीठा भूल गई? इलायची पाउडर जी। जैसा हमारा दूध गर्म हो रहा है, चलिए अब आपकी लौकी तैयार हो गई जी, गल गई। अब इसको हम छान लेते हैं ताकि इसमें जो ज्यादा पानी होता है वो निकल जाए। और फिर थोड़ा सा घी पैन में डालकर जी हम लोग ये घी डालेंगे और चावल। ओके। और इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या पिसे हुए चावल है? पिसे हुए पाउडर करे हुए हैं। ऐसे डालकर इसको, पैन तो वैसे ही गर्म है, घी बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसमें ये बहुत जल्दी ब्राउन होने लगता है, तो बहुत देर तक इसको करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा इसको हम भून लेते। भाई अब तो खुशबू आने लगी। और उसको छूना, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। ये टाइम पे टीवी देखना सही नहीं, अपनी नज़र इसी पे रहना हो चाहिए, इधर उधर भाग के नहीं जाना चाहिए, टेलीफोन नहीं सुनना चाहिए। अच्छा ये सब पकवान के बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे वो हलवे नुमा लगने लगता है जी, फिर उसको हम दूध में और इलायची में डाल रहे हैं। इलायची तो दूध में पड़ी हुई है, ये चावल भी डाल देते हैं। ओके। और इसके अंदर उसको हिला देते हैं ताकि इसके गोले ना बन जाए। और थोड़ी देर इसको पकाना होता है हल्की आंच पे। हाँ बहुत तेज आंच पे तो नहीं जी, नहीं तो वो सब नीचे चिपक जाएगा। ओके। और इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि दूध में उबाल आता है तो सब बाहर बिखर जा सकता है। और थोड़ी देर इसको से हिलाते रहें और भूल ना जाए। अच्छा। अच्छा चलिए अब आपका चावल पक गया। अब ये हमारी तैयार हो गई खीर, जिसमें हम डालते हैं खोया। ठीक है। फिर वो उसमें घुलने लगता है और जैसे वो उसमें घुल रहा है हम डालेंगे इसमें हमारी लौकी। ठीक है। अरे वाह। अच्छा इस जूस का अब क्या होगा? नहीं वो तो पानी है उसका, उसका कुछ नहीं होगा। आप पिएंगी जूस? अरे तौबा करो, मैं काहे पीऊंगी लौकी। आपको लौकी का जूस बनाओ तो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, आपको पता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे खीर चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आपकी लौकी गल गई है और खोया आपका घुल गया है, चीनी अब इसमें डालने का टाइम आ गया है। ओके। तो आपने डाल ली चीनी और थोड़ी देर आप पकाएंगे। चीनी जैसे ही गर्म होती है तो पानी छोड़ देती है जी, तो ऐसे लगेगा कि दूध पतला हो गया, मगर थोड़ी देर पकेगी तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर वह वैसे ही गाढ़ी हो जाती है। ये खीर तैयार हो गई अपनी। अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं जी, और आप इसको एक अच्छे से बोल में डाल दीजिए। बिल्कुल। ताकि फिर हम उस पर बादाम और गुलाब डालें जी। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप गुलाब कब डालेंगे।
ये अखीर में, ये भी खूबसूरती बढ़ाते हैं और इसका जायके भी थोड़ा सा इजाफा करते हैं। वाओ, इट लुक्स लवली। बाजी, आपकी शुगर हाई ला रही हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छी लग रही है दूर से मुझे। दूर से क्या, करीब से देखिए, चखकर देखिए तो मजा आए। नहीं हट रही, इसीलिए तो मैं उधर देख रही हूँ। तो मुस्कुराइए। अरे भाई, कैसे मुस्कुराएं, भूख के मारे दम निकल रहा है, है? अच्छा ठीक है, अब आपको मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, बस 5 मिनट की और बात है। भाई जहरा जी, आज तो तुमने बहुत ही खुश रंग खाने बनाए, पेट की तो दावत हुई तो हुई, आंखों की भी दावत हो गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि खाना कैसे रंग का हो और किस प्लेट में हो। तब इसके ऊपर बादाम डालेंगे जी, और तुम डालोगी गुलाब? बिल्कुल। वाह वाह वाह, नजारा रूबरू है जो मिशगां उठाइए। वाह वाह वाह, मिशगां, ये हाँ। मिशगां क्या होता है बाजी? अरे बीबी, पलकें। ओह, बड़ी रोमांटिक हो गई मीठे के नाम से। अरे है बेटा, मैं रोमांटिक कब नहीं थी, मैं तो हमेशा से रोमांटिक हूँ। अरे बेटा, जब दिल जवान हो जी तो फिर 80, 90, 70 की उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप 90 की हैं? वो सिर्फ गिनती के लिए रह जाती है। बड़ा, आप 90 की हैं क्या? अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ जरूर, तो मैं जवान, मेरी एमरल्ड क्वीन। अभी तो मैं जवान हूँ। बाजी, एक काम करेंगे, क्या आपके गाने का प्रोग्राम किसी और दिन रखेंगे? लेकिन फिलहाल क्योंकि अब हर चीज पूरी तरह से बन चुकी है, तो जल्दी से पहले मैं तरकीब दोहराऊंगी, जहरा आपा मुझे बताएंगी कि मैंने सब कुछ ठीक लिखा है, उसके बाद हम तीनों मिलके खाएंगे। 250 ग्राम कद्दूकस की हुई लौकी को आधे कप पानी में 5 मिनट तक उबालें। 5 कप दूध में आधा बड़ा चमचा पिसी छोटी इलायची मिलाकर उबालें। लौकी का पानी छन्नी से निथार लें। एक बर्तन में 2 बड़े चमचे असली घी में चावल का आटा हल्का सा भून लें। गर्म दूध पर उंडेल दें। 100 ग्राम कद्दूकस किया खोया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। लौकी को डालकर चलाएं। आधा कप शक्कर डालकर खीर को कुछ गाढ़ी होने तक पकाएं। एक डिश में डालकर देसी गुलाब की पत्तियों और सूखे मेवों से सजाएं। ठंडा होने पर पेश करें। तो जहरा आपा, आप बाजी के पास क्यों नहीं बैठती और अच्छा। मैं बाकी का सामान लेकर आती हूं। आओ यहां, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाती हूं। आ बैठिए। नई कोशिशों मेरे बायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का, लगे हाथ पानों के जादू की पूड़ी।